मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर वन के बारे में, चैप्टर टू के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर टू का नाम क्या है? नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड 0। तो हमने आगे देख लिया था कि नंबर्स 1 to 9 कैसे होते हैं, उसके बाद 0 का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर की कंपैरिजन करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले क्या आता है? ग्रेटर और स्मॉलर, यानी कि बड़ा और छोटा। ग्रेटर यानी कि बड़ा, स्मॉलर यानी कि छोटा। GREATER, ग्रेटर बड़ा, स्मॉलर SMALLER, स्मॉलर यानी कि छोटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लुक एट दिस हंग्री बिग फिश, इट इज़ वेरी वेरी हंग्री। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिश है, बड़ी है और वो है बहुत भूखी है। वेरी वेरी हंग्री, हंग्री यानी कि भूखी। तो सो इट्स माउथ इज ओपन वाइड, यानी कि उसका मुंह है वो बहुत ओपन हुआ है। इट हैज़ 4 फिश ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड 4 फिश है एंड 2 ऑन द अदर, यानी कि एक साइड 2 फिश है। बट द बिग फिश ओपन इट्स माउथ टू ईट द ग्रेटर नंबर ऑफ फिश, यानी कि जो फिश है वो कहाँ पे ओपन करेगी? जहाँ पे ज़्यादा फिश है, क्योंकि वो क्या है? हंग्री है। सो इट गोज़ फॉर द 4 फिश विथ इट्स माउथ वाइड ओपन लाइक दिस, यानी कि उसका मुँह है वो किस तरह से ओपन होगा? इस तरह से ओपन होगा। और कहाँ पे ओपन होगा? 4 जहाँ पे फिश है वहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फिश है, यहाँ पे 4 फिश है और वो बहुत ज़्यादा भूखी है, तो क्या करेगी? ज़्यादा खाएगी। तो यहाँ पे कितनी है? 4। यहाँ पे कितनी है? 2। और यहाँ पे किस तरह से मुँह खोलेगी? इस तरह से। तो हमें पता चला कि 4 क्या है? ज़्यादा है, 2 है वो कम है, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे क्या लिखा है? वी राइट 4 इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन का सिंबल क्या है? इस तरह से, जहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एरो आएगा। क्या आएगा? एरो। 2 लाइन यहाँ पे जॉइंट होगी, तो ये इसको क्या बोलते हैं? 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पे फिश अपना मुंह खोलेगी वहाँ पे क्या होगा? बड़ा नंबर होगा, और जहाँ पे उसकी पूंछ होगी वहाँ पे क्या होगा? छोटा नंबर होगा। तो वी राइट 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड रीड एज 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2। और हमें पता भी है कि 4 है वो 2 के बाद में आता है, यानी कि 4 है वो बड़ा नंबर है, यानी कि क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन 2। और इसको कैसे लिखते हैं? 4 इज ग्रेटर देन 2। हम कैसे याद रखेंगे? जिस साइड फिश का मुंह होगा वो बड़ा नंबर होगा, और जिस साइड फिश की पूंछ होगी वो कौन सा होगा? छोटा नंबर होगा। तो आप लोगों को पता चला 4 इज ग्रेटर देन 2। अब कौन सा एग्जांपल है? द फिश टर्न्स अवे फ्रॉम द स्मॉलर नंबर ऑफ फिश, यानी कि फिश को टर्न करते हैं, हम फिश को उल्टा कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला क्या मिलेगा? स्मॉलर नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कितनी मछलियाँ है? 1। यहाँ पे कितनी है? 3। तो हमें पता है फिश जहाँ पे मुँह करेगी वहाँ पे ज़्यादा मछली होगी, और जहाँ पे पूंछ होगी वहाँ पे छोटी मछली होगी। तो फिश ने अपना टर्न ले लिया, टर्न ले लिया तो क्या हुआ? यहाँ पे ज़्यादा है 3, यानी कि 3। यहाँ पे कितनी है? 1। तो फिश के मुँह कैसा हुआ? इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? हियर 1 इज स्मॉलर देन 3, यानी कि वी राइट 1 इज स्मॉलर देन 3। स्मॉलर का सिंबल कैसा है? ऐसा है। छोटा नंबर के पास क्या आता है? पॉइंट आता है, और बड़े नंबर के पास 2 लाइन आती है। तो फिश का मुंह कैसा होगा? ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज स्मॉलर देन 3। इसको कैसे लिखते हैं? 1 इज स्मॉलर देन 3। और इसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं? सिंबल में 1 इज स्मॉलर देन 3। अब अगला क्या है? द फिश इज नॉट श्योर विच वन इज इट नाउ, यानी कि उसको पता नहीं चल रहा कि अब मैं कौन से खाऊं,
यहाँ पे कितनी फिश है? 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोनों साइड सेम है तो फिश को पता नहीं चल रहा अब मैं कौन सी खाऊँ। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मुंह किसी के साइड नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? 5 इज इक्वल टू 5। दोनों सेम है, सेम है तो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। क्या आएगा? इक्वल टू। इक्वल टू का सिंबल कैसा है? दो लाइन। तो इसको कैसे लिखते हैं? 5 इज इक्वल टू 5। और उसको रिप्रेजेंट कैसा कर सकते हैं? डबल लाइन इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट इक्वल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि डबल लाइन को हम इक्वल टू का सिंबल देख सकते हैं। फिर आता है उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या लिखा है? कंपेयर द ग्रुप्स एंड पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यानी कि हमें क्या करना है? यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है और उसके बाद हमें सिंबल लिखना है कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल टू है। तो सबसे पहला क्या है? साइकिल है। तो यहाँ पे हम काउंट कर ले। फर्स्ट है 1, 2 और 3। यहाँ पे कितनी साइकिल है? 3। फिर यहाँ पे कितनी है? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे कितनी है? 4। और हमें पता है ये क्या है? ज़्यादा है, मोर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर। ये 4 है वो ग्रेटर है, 3 है वो स्मॉलर है। तो फिश का मुँह कैसे आएगा? इस तरह से आएगा, इस तरह से। फिश का मुँह कैसे आएगा? इस तरह से आएगा। यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 2 लाइन आएगी, तो इस तरह से आएगा। तो इसका सिंबल क्या है? लेस देन है। तो क्या हुआ? 3 इज स्मॉलर देन 4। 3 इज स्मॉलर देन 4। फिर दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? पेंसिल है। तो यहाँ पे हम काउंट कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी पेंसिल है? 7 है। फिर यहाँ पे कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे भी 7 पेंसिल है। दोनों नंबर सेम है तो कौन सा सिंबल आएगा? इक्वल टू का, यानी कि 2 लाइन का। 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि दोनों सेम हो तो कौन सा सिंबल आता है? इक्वल टू का। फिर यहाँ पे हम मैंगो है वो काउंट कर लेंगे। कितनी मैंगो है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या है? 3। फिर यहाँ पे कितनी मैंगो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे कितनी मैंगो है? 9 है। तो हमें पता है 3 है वो स्मॉलर है, 9 है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? फिश कहाँ पे मुंह खोलेगी? इस तरह से। तो कौन सा सिंबल आएगा? स्मॉलर। 3 इज स्मॉलर देन 9। 3 इज स्मॉलर देन 9। फिर यहाँ पे कौन सा सिंबल? यहाँ पे क्या है? टाइगर है। तो हम टाइगर काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे कितने टाइगर है? 4 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2। तो हमें पता है 4 है वो ग्रेटर है, 2 वो स्मॉलर है। तो फिश किस तरह से मुंह खोलेगी? इस तरह से खोलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 इज ग्रेटर देन 2। यानी कि 4 इज ग्रेटर देन, इस तरह से सिंबल आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2। फिर अगला क्या है? यहाँ पे काइट है। तो काइट का कितना है काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 काइट है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी 4 काइट है। दोनों नंबर सेम हो तो हम क्या करते हैं? इक्वल टू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल टू। फिर यहाँ पे बर्ड्स है, तो हम बर्ड्स को काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं? 5। फिर यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं? 8। तो यहाँ पे बड़ा कित ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो फिश किस तरह से मुंह खोलेगी? इस तरह से। तो क्या हुआ? 5 इज स्मॉलर देन 8। हमें कौन सा सिंबल आएगा? इस तरह से सिंबल आएगा। तो क्या आएगा? 5 इज स्मॉलर देन 8। फिर अगला क्या है? आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम को हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कितने आइसक्रीम है? 8। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे कितना आइसक्रीम है? 5। तो हमें पता है 8 है वो ग्रेटर है, 5 है वो स्मॉलर है। तो कौन सा सिंबल आएगा? इस तरह से। फिश कहाँ पे मुंह खोलेगी? जहाँ बड़ा नंबर है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 इज ग्रेटर देन 5। क्या आएगा? 8 इज ग्रेटर देन 5। फिर यहाँ पे चॉकलेट्स है, तो चॉकलेट्स को काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कितने चॉकलेट्स है? 5। फिर यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे कितने चॉकलेट्स हैं? 9 है।
तो हमें पता है 5 स्मॉलर है, 9 ग्रेटर है, तो हम क्या, ये फिश कहाँ पे मुंह खोलेगी, इस साइड, तो कौन सा सिंबल आएगा स्मॉलर का, तो 5 इज स्मॉलर देन 9। तो आप लोगों को पता चला कि ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू को हम किस तरह से पुट कर सकते हैं।